नमस्कार आपण मानक बरखा महापात्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु एबे तो देखुचंदी आपण वर्षा केते जोरे होउचे तापरे परे शीत दिन ई शीत दिन रे आमको गाधिया को एते इच्छा हे नथाय एवं मुंड धोया को तो जमा इच्छा हे नथाय जो पई कि आमर मुंड रे मैला रही रही कि रूपी हेथाय एवं बहुत लोकंकर एमती अछि जो मानकर 12 मास जक मुंड रे रूपी हेथाय। जदि आपण चाहंती कि आपणक मुंड रो रूपी संपूर्ण सफा हे जाउ किंबा रूपी कमी जाउ ताहाले आज आमे आपणक पई 5टा बहुत सहज घरोई उपचार आनिछु। एहा को आपण निश्चित व्यवहार करंतु तापरे आपण एहार प्रभाव जानि परिबे। तो आउ डेरी नक चलत जाणी ना कि रूपी पाई कौन घर उपचार अच्छी। प्रथम घर उपचार पाई आपण को दरकार होता है आलोवेरा। आलोवेरा जदि आप घरे गच्छ अच्छी ताहले सेतुरु आपण गोटे पत्र आणिबे ता जेल काढ़े एवं से ही जेल को आपण केश मूल भल भाव मालिस करेंगे। मालिस कलापर ताकू आप 45 मिनिट पर्यंत सेमती रखा देवे। 45 मिनिट पर जितेबले आपण मुंड धोबे सेतेबले अल्प शैंपू जो शैंपू आपण नेचुरली प्रतिदिन व्यवहार करती से ही शैंपू व्यवहार करके आपण केश धोईदे। आलोवेरा जेल व्यवहार करिवार मुख्य कारण होची एथरे अच्छी एंटी फंगल एवं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी जोटा आपणकर केशरे फंगस को एवं आपणकर रूपी को दूर करिवार सहाय्य करथाय। द्वितीय घर उपचार पाई आपण को दरकार होता है निंब पत्र। निंब पत्र रे अच्छी एंटी बैक्टेरियल एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल एवं एंटी इनफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जोटा आपणकर केशर रूपी को दूर करने बहुत सहज एवं बहुत इफेक्टिव मध्य होता है। तो आपण निंब पत्र को किपर व्यवहार करेंगे आपण गोटे कप निंब पत्र नेबे ताको भल भाव सफा करदे एवं सफा करके ग्राइंड करके तार गोटे पेस्ट बनइबे। यही पेस्ट को आपण केशरे लगाई अध घंटा पर्यंत रखिबे। अध घंटा पर आपण केश को नॉर्मल पानी रे अल्प शैंपू लगाई सफा करदे। हेले देखिबे आपण केशरे जो रूपी होइतिबा सेइटा के किपरी बहुत जल्दी कमिजिव। यही घर उपचार को आपण सप्ताह को गोटे रु दुई थर करूँ देखिए 2-3 सप्ताह भितर आपण केशर रूपी संपूर्ण दूर होदि आपण निंब पत्र को पेस्ट करके व्यवहार नक चाहते ताहले आपण ताकु सिझे कि निंब पत्र पानी मध्य व्यवहार करिपरिबे। सेथिपाय कि आपनको कोन करिया को पड़िबो आपण गोटे कप निंब पत्र को भल भाव पानी रे फुटाई देबे। फुटाइला परे आपण देखिबे निंब पत्र पानी ता जेतेबे संपूर्ण थंडा होइजबो ताकु छाणी देबे। सही निंब पत्र पानी को आपणको केशरे ढाळ कि आपणको केश को भल भाव सफा करिबे। तापर देखिबे किछि दिन भितर गोटे रु 2 सप्ताह भितर आपणको केशरे जो रूपी होइतिबो सेटा संपूर्ण भाव दूर किंतु जदि आपण निंब पत्र को व्यवहार न करिया को चाहंजनी ताहले सबुटु सरल घरोई उपचार हो जे लेंबू। लेंबू रे अच्छी विटामिन सी जोटा आपणकर केशर रूपी को दूर करिवारे सहाय्य करे फंगस को मारिवारे सहाय्य करे एवं आपण केशर सुंदरता बढ़े को मध्य अत्यंत उपकारी होता है। आपण गोटे रु 2टा लेंबू को भल भाव चिपुड़ी तार रस बाहर करदे। यही रस को आपण केशर मूल बहुत भल भाव मालिश करेंगे। मालिश कलापर ताकू आप 10-15 मिनिट पर्यंत से प्रकार केशर लगे रखिए। जदि आपण चाहिबे ताहले आपण एतिरे उसुम नड़िया तेल मध्य व्यवहार करिपरिबे। ए दुईटा जक सामग्री को मिसाई कि गोटे भल मिक्सचर किंबा मिश्रण तयारी करिबे। एही मिश्रण को केशरे लगाइ देबे एवं 10-15 मिनिट पर्यंत रखिबे। तापर केश को भल भाव आपण नॉर्मल पानी किंबा शैंपू लगाई कि नॉर्मल पानी रे धोई देबे। हेले देखिबे आपण को केशर जो रूपी अछि सेइटा किपरि दूर होइजिवो। किंतु आठ मध्ये आउ गोटे सरल एवं बहुत इफेक्टिव किंबा बहुत उपकारी घर उपचार होची जदि आपण मेथी मंजी व्यवहार करुचंदी। मेथी मंजी रे अच्छी विटामिन सी एवं एंटी फंगल प्रॉपर्टी जोटा आपण को केशर रूपी को दूर करिवारे सहाय्य करे। आपण को जदि आपण चाहिबे ताहाले मेथी मंजी जो आपण बाटी किता पेस्ट बनेबे सेथिरे आपण गोटे रु 2टा बड़ चमच उसुम नड़िया तेल नै परिबे नहले अधा छोटा चमच आपण दही नै परिबे एवं गोटे लेंबू मध्ये व्यवहार करिबे। एई 3टा सामग्री आपणकर ऑप्शनल अछि जदि आपण चाहिबे ताहाले व्यवहार करिबे नहले आपण खाली मेथी मंजी को मध्ये बाटी के ताकू मध्ये लगाइले आपणको केशर रूपी दूर होइजिबो। सस घरोई उपचार पेंगे आपणको दरकार होइते 2टी सामग्री गोटा होची कला गोलमरीच एवं द्वितीय रे होची आपणको दरकार होइते
जड़ा तेल नहले नड़िया तेल आपण गोलमरीचा को बाटिकिना तार पाउडर बनईदे से आप गोटे रु दुईटा कि गोटे अधा कप आप नड़िया तेल उषुम करके दुईटा को सामग्री को भल भाव मिसाइबे तापर यही तेल को केशरे बहुत भल भाव मालिश करेंगे और अधा घंटा 45 मिनिट रखे तापर केश को आप शैंपूर साहय आपण केश को सफा करदे यही घर उपचार आप गोटे सप्ताह पर्यंत करूँ देखिए आपण केशर केमती रूपी दूर हम तो दर्शक बंधु यही घर उपचार भितर कौन से गोटे कि दुईटा करूँ और आपण अनुभव आम सहित कमेंट सेक्शन में सेयार करूँ आज वीडियो को शेष पर्यंत देख अनेक अनेक धन्यवाद आपण सहित पुणी देखा हम अन्य एक नुआ वीडियो रे सेते पर्यंत मते विदाय दियंतु रहुची नमस्कार।